सोमवार को चंद्रयान 2 को लेकर इसरो ने बड़ा बयान दिया है। इसरो ने कहा है कि विक्रम लैंडर बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें कोई भी टूट फूट नहीं हुई है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि हम लैंडर के साथ संचार को फिर से स्थापित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप के 14वें अधिवेशन को संबोधित किया। यह अधिवेशन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया मार्ट एंड एक्सपो में आयोजित हो रहा है। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और बढ़ते रेगिस्तान पर चिंतन किया जा रहा है। कॉप के 14वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि धरती को हम अपनी मां मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया परेशान है। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरा होने पर मंत्रियों का मेगा प्रचार आज भी जारी है। पूरे देश में 17 केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिमला में अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित किया तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के कामों को गिनवाया तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चेन्नई में कार्यक्रम आयोजित है। गगनयान मिशन के लिए 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा पर भेजना है। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए 10 टेस्ट पायलटों का चयन कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चयन का पहला चरण पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक होटल में आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आर्थिक तंगी से परेशान होकर वायुसेना के पूर्व कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक ने जान देने की वजह देश में मंदी और भ्रष्टाचार को बताया है। साथ ही उसने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को इन हालातों का जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता होने से पहले ही रद्द हो गई है। काबुल में अमेरिकी सैनिक की हत्या किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त पर शांति वार्ता को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा और अब ज्यादा अमेरिकियों की जान जाएगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक अहम सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान इस बैठक में कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने का मुद्दा उठा सकता है। 2 दिनों की बारिश ने मध्य प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं तो भोपाल और विदिशा में भारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया। मंडला जिले में रिकॉर्ड 134 मिलीमीटर बारिश हुई। सीहोर में पार्वती नदी उफान पर है तो बारिश की वजह से जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध पानी से लबालब हो गया, जिसके चलते बांध के 21 गेट खोले गए। कर्नाटक के बेलागवी में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। बेलागवी गोवा सड़क पर कई जगहों पर भारी चट्टाने गिरी हैं। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है तो इस वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। बारिश की वजह से इलाके में धुंध भी छाई हुई है। ब्रिटिश एयरबेस के करीब 4000 पायलट हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से बाहर से ब्रिटेन आने वाली कई उड़ानें सोमवार को रद्द हो गई। ब्रिटिश एयरबेस की तरफ से यात्रियों को एयरपोर्ट पर न आने की सलाह दी गई है। एयरबेस का कहना है कि 100 साल के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल सोमवार से शुरू हो गई है, जिससे करीब 1500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं।